नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार, जानिए आज उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर तीव्र बौछार पड़ने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। हालांकि आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, ऐसे में आज थोड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन कल यानी 18 जुलाई से मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है। लिहाजा कल नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अगले दिन यानी 19 जुलाई को तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज यह पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95.29 रुपए, वही डीजल के दाम है 90.33 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.44 रुपए, वही डीजल के दाम है 89.58 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.33 रुपए, वही डीजल के दाम है 89.45 रुपए। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.62 रुपए, वही डीजल के दाम है 89.75 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। भारत और चीन के बीच वार्ता संभव। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर टकराव से शेष क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और चीन 16वें दौर की स्तरीय सैन्य वार्ता कर सकते हैं। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच पिछले दौर की बातचीत 11 मार्च को हुई थी। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए संसद के दोनों सदनों में अब सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो सकते हैं। सत्र पर विपक्ष की बैठक। उधर संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्ष ने भी आज बैठक बुलाई है। इस बार विपक्षी दलों के साथ बैठक में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS भी शामिल होगी। देवेंद्र यादव पहुंचेंगे उत्तराखंड। कांग्रेस संगठन को उत्तराखंड में धार देने के लिए प्रभारी देवेंद्र यादव 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान देवेंद्र यादव पार्टी नेता और संगठन पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। विशेष तीर्थयात्रा की शुरुआत। IRCTC की ओर से आज से उत्तराखंड के लिए विशेष तीर्थयात्रा की शुरुआत की जा रही है। तीर्थयात्रा में शामिल यात्रियों को जौली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए वाराणसी ले जाया जाएगा और वहां IRCTC की AC बसों के जरिए काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ ही पूरे वाराणसी का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा के अगले चरण में तीर्थयात्री प्रयागराज जाएंगे और संगम समेत तमाम धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में तीर्थयात्रियों को अयोध्या भ्रमण करवाया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव मॉक ड्रिल। राष्ट्रपति चुनाव के तहत आज देहरादून में मॉक ड्रिल पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जिसमें सदस्य वोटिंग का अभ्यास करेंगे। बीजेपी ने सभी विधायकों से उपस्थित रहने को कहा है। सभी विधायकों से 18 जुलाई तक देहरादून में ही ठहरने को कहा गया है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने के बाद ही वो अपने अपने क्षेत्रों को रवाना होंगे। NEET UG परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG 2022 आज आयोजित होगी। दोपहर 2 बजे शाम 5:20 तक परीक्षा का आयोजन होगा। लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसा रहा परिवार, रेस्टोरेंट स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। कोतवाली जालौपुर क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट में एक परिवार आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। रेस्टोरेंट संचालक से कई बार कहने के बावजूद भी लिफ्ट जब चालू नहीं हुई तो परिवार ने इसकी सूचना कोतवाली जालौपुर पुलिस को दी। आरोप है कि रेस्टोरेंट स्टाफ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 28 लोगों की मौत के बाद जागी सरकार। विकासनगर नौगांव हाईवे ऑल वेदर रोड में होगा शामिल। विकासनगर से लेकर उत्तरकाशी जनपद के सुदूरवर्ती सांकरी तक जाने वाली सड़कों को ऑल वेदर रोड में शामिल किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से जानकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम, जमी से आसमां तक सिक्योरिटी सख्त। IB के अलर्ट के बाद कांवड़ मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने पूरी ताकत हरिद्वार में झोंक दी है। हरकीपैड़ी, मनसा देवी मंदिर और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। यहां QRT की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। IB के अलर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस फुल एक्शन में नजर आ रही है। हरकीपैड़ी समेत पूरा मेला क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। जंगल के सफाई कर्मी की तलाश में वन महकमा, प्रोजेक्ट हाइना में जुटे अधिकारी। उत्तराखंड में वन विभाग जंगलों के सफाई कर्मी और पारिस्थितिकी तंत्र के एम कड़ी वाले वन्य जीव की तलाश में जुटा है, जो एक समय राजाजी नेशनल पार्क में बहुतायत संख्या में माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया। बात लकड़ बग्गों की हो रही है, जिनके लिए वन विभाग ने एक स्पेशल अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट, हाई अलर्ट पर पुलिस। गृह मंत्रालय ने कांवड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों के हमले की आशंका जताई है, जिसके बाद राज्यों को मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के खतरे की आशंका को देखते हुए राज्य पुलिस द्वारा ATS कमांडो, BDS पैरामिलिट्री फोर्स सहित पूरे पुलिस तंत्र को सतर्क किया गया है। अरे ये कैसे मंत्री हैं, विभाग की किराया बढ़ाने के फैसले से अनजान, अब दिया ये बयान।
उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के किराया बढ़ोतरी की खबरों से परिवहन मंत्री चंदन रामदास अनजान हैं। उन्होंने कहा अभी केवल किराया बढ़ाने की सिफारिश की गई है। किराया बढ़ाने जाने को लेकर शासन स्तर पर निर्णय होना बाकी है, जबकि उत्तराखंड में परिवहन निगम की बसों समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 15 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से किराए की नई दरें लागू की गई हैं। रामनगर में बाइक के पीछे बैठे शख्स पर बाघ ने किया हमला। अल्मोड़ा से बाइक पर लौट रहे एक शख्स पर बाघ ने हमला कर दिया। बाइक में पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति को बाघ घसीटकर जंगल की तरफ ले गया, जिसके बाद अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग रामनगर डिवीजन और कॉर्बेट प्रशासन की टीमें युवक को ढूंढने में जुटी हुई है। देहरादून की नवनियुक्त डीएम ने संभाला कार्यभार, विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। आईएएस सोनिका ने देहरादून के नए डीएम का चार्ज संभाल लिया है। देहरादून की नई डीएम आईएएस सोनिका 2010 बैच की अफसर है। सोनिका जनपद देहरादून में उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी एवं जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल के पद पर रही हैं। कांग्रेस भवन के सामने खड़ी कार में लगी आग, महिला और ड्राइवर ने जैसे तैसे बचाई जान। राजधानी देहरादून में शनिवार शाम को 7 बजे कांग्रेस भवन के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई थी। कार में आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार में महिला और ड्राइवर मौजूद थे, दोनों समय रहते बाहर आ गए थे। कांग्रेस नेताओं की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग को काबू किया। गदरपुर के पिपलिया गांव में अचानक बीमार हुए कई ग्रामीण, अस्पताल में चल रहा इलाज। गदरपुर ब्लॉक के पिपलिया नंबर 1 गांव में कई लोगों को अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिन्हें आनंद फानन में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। आशंका जताई जा रही है कि दूषित पानी पीने से ग्रामीण बीमार पड़े होंगे। रुड़की में विदेशी महिला और पति के साथ अभद्रता, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार जिले के रुड़की में विदेशी महिला के साथ अभद्रता और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने विदेशी महिला की शिकायत पर 2 नामजद समेत 4 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं एक युवक द्वारा चलती बाइक से गंगा नहर में छलांग लगाने का मामला भी सामने आया है। मसूरी में पर्यटक ने टैक्सी चालक पर किया हमला, जमकर हुआ हंगामा। मसूरी में पर्यटकों ने टैक्सी चालक पर पेचकस से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इस घटना के बाद मौके पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने फिलहाल पेचकस से हमला करने वाले पर्यटक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। देहरादून के नवनियुक्त SSP दलीप सिंह कुआ ने संभाला चार्ज, गिनाई प्राथमिकताएं। राजधानी देहरादून जनपद के नए SSP के तौर पर शनिवार शाम दलीप सिंह कुआ ने कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। चीरा बैराज रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी बस, 7 लोग घायल। ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही GMO की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सड़क हादसा बच्चा को बचाने के चक्कर में हुआ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दी राहत, सरकार के आदेश को किया खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार एवं शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से ACP के लाभ को वसूली करने को कहा था। उत्तराखंड में कांग्रेस और BSP को झटका, 30 से अधिक नेता BJP में हुए शामिल। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है, वहीं BJP अपने आप को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं, और BJP अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर भरभराकर गिरी पहाड़ी। उत्तराखंड में आए दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। ताजा वीडियो रुद्रप्रयाग से सामने आया है, जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर खंकरा में सम्राट होटल के पास भारी भूस्खलन हो गया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं सड़क पर भारी भरकम मलबा और बोल्डर आने से यातायात बाधित रहा। अपने पति को छोड़ युवक को दिल बैठी महिला, चौकी के बाहर धने पर बैठ शादी की जिद पर अड़ी। प्यार में कोई इंसान किस कदर पागल हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक महिला अपने पति को छोड़ दूसरे युवक से शादी करने की जिद करने लगी। इतने में महिला पथरी थाना क्षेत्र के फेरूपुर चौकी पहुंची और युवक से शादी कराने की मांग को लेकर धरना भी दिया। बताया जा रहा है कि युवक की कुछ ही दिनों में शादी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।